हेलो बच्चों। नमस्कार जय जिनेंद्र, क्या हाल चाल? मजे में सब? चलिए तो शुरुआत करें आज का इस वीडियो, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे काम आता है, बहुत सारी बार आप इसका नाम सुन, पॉइजन एंड लाप्लास। पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन जो है ये बहुत फेमस है और ये बहुत से बार नेट के एग्जाम वगैरह में काम। इसकी शुरुआत बेसिकली इस जो हम लोगों ने कल पढ़ा था डाइवर्जेंस ऑफ ई, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, यहीं से नंबर वन। नंबर टू, पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन काम क्या थी? ठीक है, तो पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन का जो मेन काम है वो है स्केलर पोटेंशियल को निकालना। स्केलर पोटेंशियल क्या होता है वो भी हम लोग लास्ट लेक्चर में हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, शायद लास्ट को नहीं, लास्ट के लास्ट मतलब गॉस लॉ से पहले है ना, तो पोटेंशियल वहाँ था, तो स्केलर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित होता है। ये बात आपको उस टाइम में मेन जो है पोटेंशियल निकालने के काम आता है पॉइजन लाप्लास। भैया पॉइजन आती है या लाप्लास आती है, या पॉइजन लाप्लास एक ही नाम है, पॉइजन लाप्लास अलग अलग है, तो इस बात पे चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे लीजिए पॉइजन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। अब इस हेडिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइजन और लाप्लास एक ही इक्वेशन है या फिर अलग अलग। पॉइजन एंड लाप्लास एक ही इक्वेशन है या अलग अलग इक्वेशन है, ये आप लोग समझ गए ना? अलग अलग किस टर्म्स में, अलग अलग क्यों है, इसको हम लोग और समझते हैं फटाफट डिटेल में। एक्चुअली दो तरह के रीजन होते हैं, तो चार्ज फ्री रीजन होता है और एक चार्ज लेस रीजन, मतलब चार्जेबल रीजन और एक चार्ज, दोनों में पोटेंशियल। अब आप बोलोगे सर जहां पर चार्ज नहीं है पोटेंशियल बेटा होता है, ठीक है ना? अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल चार्ज की प्रेजेंस में भी होता है और एब्सेंस में भी होता है। जैसे पोटेंशियल एक शक्ति है, क्षमता है, उसे पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से एक एनवायरनमेंट है जो क्रिएट होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में आपके पिताजी के साथ तो उनको लगता है कि यार ऐसा है, ठीक है, लगता है वो, तो उनके आसपास वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, उन्होंने कुछ और गाड़ी खरीद कुछ खरीद, वो एक तरह से फील्ड क्रिएट हो, उस फील्ड में आप रहते, ठीक है ना, उस फील्ड में आप रहते हो, ठीक है, बट आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप अपने पैसे का कुछ नहीं खरीद, आप अभी तक कुछ नहीं कमा रहे, तो जो क्षमता तुम्हारे पापा के पास वही क्षमता तुम्हारे पास, वो वही हो चाहे नहीं हो मुझे पता नहीं है, बट तुम्हारे पास भी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, मेंटल एबिलिटी सब कुछ होता है कि भैया मैं अमीर क्योंकि मेरे पास पैसा है, भले तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पिताजी का है, बट तुमको लगता है। तो द थिंग इज दैट कि आपके पास चार्ज नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास चार्ज है तब भी आपके पास पोटेंशियल है। तो अल्टीमेटली चार्ज से पोटेंशियल का कोई ऐसा ज़्यादा खास लिंक नहीं होता है। चार्ज हो तो भी पोटेंशियल होता है, चार्ज ना हो तो भी पोटेंशियल होता है। फिजिकल एग्जांपल अगर लें तो मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे चार्ज नहीं होता बट उसकी सरफेस पर चार्ज होता है, ठीक है, अंदर चार्ज नहीं होता उसके बावजूद भी यहाँ पर पोटेंशियल होता है, और वो पोटेंशियल बाहर के चार्ज की वजह से आता है। तो शॉर्ट में अगर समझा जाए तो अगर मान लीजिए चार्ज है और आपको पोटेंशियल निकालना है, पॉइजन इक्वेशन काम में आएगी। चार्ज नहीं है और आपको पोटेंशियल निकालना है तो लाप्लास, तो दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा अंतर है बस इस चार्ज का, बाकी कोई अंतर नहीं। चलिए निकाल के देखते हैं फटाफट। शुरुआत करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से। सो वी नो दी डिफरेंशियल
ऑफ गॉस लॉ। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में अनलाइक प्रश्न है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगा इसको, बट इम्पोर्टेंट ठीक है, मतलब नॉर्मल प्रश्न आपके सिलेबस में। रो जो है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लास्ट टाइम भी आपको समझा रो गया चार्ज डेंसिटी। बहुत जल्दी क्लासिकल शुरू कर, 1 मिनट हो जाए इसके बाद। रो है एप्सिलॉन है परमिटिविटी, वैक्यूम खाली स्थान हो गया के लिए, मतलब वहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वैक्यूम का एक का मतलब समझ सकते हो आप, डिस्टरबेंस वैक्यूम का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि वहां पे चार्ज नहीं है, वैक्यूम मतलब होता है वहां डिस्टरबेंस नहीं है, कोई मीडियम नहीं है वहां, चार्ज तो होगा मीडियम नहीं होगा, तो ये बात हम जानते हैं ठीक है। तो बात ये है, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई बोल दो या कैपिटल वी बोल दो, दोनों बोल दो आप, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो वरना कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, और डेल वेक्टर होता है ये स्टूडेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन एंड इक्वेशन, पाई जो है यहाँ पर पोटेंशियल है, तो इसको स्केलर पोटेंशियल कहा जाता है, तो आप इसको स्केलर पोटेंशियल बोल दीजिए, या फिर ओनली पोटेंशियल बोल दो, एक ही बात, स्केलर पोटेंशियल और पोटेंशियल क्या बोल सकते हो ठीक है। अब आप इक्वेशन 2 से 1 पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 से 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए ठीक है। हाँ, और अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा अपने जो लेक्चर्स थे उनके बारे में, ताकि वो भी फालतू के पैसे खर्च ना करें, बच्चे फालतू के वैसे में पैसे खर्च कर ठीक है, उससे अच्छा कंटेंट और उससे अच्छी पढ़ाई मैं आपको करवा दूँ। फाइनल का कंटेंट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, एक पेपर बचा है न्यूक्लियर का वो भी डाल देंगे, बट उससे पहले मेरा टारगेट प्रीवियस है, कम से कम प्रीवियस के 3 पेपर तो पढ़ा दूँ, फाइनल के बराबर तो ले आऊँ, ताकि बच्चे पासिंग मार्क्स तो ले आए, नहीं तो वो फालतू कंटेंट पैसे बर्बाद करके भी पास नहीं हो पाते ठीक है ना। तो पढ़ ये चीज़ हो गई हमारे पास, छोटे रूप में निकाल दी मैंने, ये 11th 12th का मेथड है, हम फटाफट से बोल सकते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं पॉइजनिंग बोल सकते हैं। इसमें अगर चार्ज डेंसिटी अवेलेबल ना हो सिस्टम में, अगर रो 0 हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास में सिंपल है। इक्वेशन 3 शोज, इक्वेशन 3 शोज द एक्सप्रेशन फॉर पॉइजनिंग, एक्सप्रेशन फॉर पॉइजनिंग, फॉर पॉइजन इक्वेशन, बस अब मान लो रीजन अलग कर दिया आपने, और ऐसा रीजन में ले गए जहाँ चार्ज ही नहीं है स्पेस, तो वहाँ तो खैर ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि वहाँ पे रो बराबर 0, और वहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी। तो इन चार्ज फ्री स्पेस, इन चार्ज फ्री स्पेस, और ये आपको डेली की डेली नोट डाउन करना पड़ेगा नोट्स में, तभी जाके काम बनेगा, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लिया करो, बट समझ समझ के अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लो, नोट्स आपके पूरे हो जाएंगे और इससे अच्छे नोट्स शायद आप लेंगे भी नहीं ठीक है। तो डेल 2 फाइव बराबर क्या हो जाएगा, डेल 2 फाइव इज इक्वल टू 0।
इसे बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। टॉपिक टू टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे आप, और मैं टॉपिक को इतना लेंथी भी नहीं करूँगा आपके लिए, आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंगली मैंने इस टॉपिक को, इस कंटेंट को डिज़ाइन किया है, ताकि आप उसको फटाफट लर्न कर पाएँ और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली। पॉइजन इक्वेशन की बात करें, अब आते हैं एमएससी के ऊपर, ठीक है, ये बीएससी वाला कंटेंट ख़त्म करते हैं, बीएससी में तो बहुत जल्दी निकलते हैं, एमएससी के कंटेंट पे आते हैं। नॉर्मली एमएससी में हम लोग लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करते हैं, और लोकलाइज मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आप जो है खड़े कहीं और हो, चार्ज कहीं और रखा है, और निकालना कहीं और है, वो लोकलाइज होता है, लोकेशन अलग होगी ना। सो वी नो द पोटेंशियल एट, मैंने कोई डिस्टेंस मार, एट आर डिस्टेंस मतलब ये पोजीशन वेक्टर है आपका, आप वो रखा हुआ है कोई, एट आर डिस्टेंस ड्यू टू कितना हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ पाई आर, क्योंकि जरा सा चार्ज है तो फॉर्मूला क्या होता है ए डी क्यू, जिसके से आपको निकालना है, और जिस चार्ज ये मान लो मैं एक लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पर आप खुद देखो कि ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, मुझे यहाँ निकालना है, ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे रखा हुआ है। थीटा एंगल बेसिकली बना हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज का टुकड़ा रखा हुआ है, और ये चार्ज का जो टुकड़ा है ना वो डी क्यू है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि इस टुकड़े में चार्ज डी, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, ये रखा हुआ है आर प्राइम के ऊपर, ये रखा हुआ है आर के ऊपर, ठीक है। तो जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकलना है उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आर माइनस, आप खुद देखो जिस रीजन में पोटेंशियल निकालना है उस रीजन में तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो अंदर है, इसका मतलब ये है कि जिस जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है वहाँ चार्ज होना आवश्यक, ठीक है। तो हमको तो डिस्टेंस ये देखनी पड़ती है कि जिस चार्ज की वजह से निकालना है और जिस पॉइंट पे निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना है मेरे पास आर माइनस, और ये मैग्नीट्यूड में है ना, बिकॉज ये वेक्टर नहीं होता स्केलर होता है, इसलिए इफ रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इफ रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं आयतन आवेश, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन देन वी कैन से जो आपका डी क्यू चार्ज है, जो कि कहाँ रखा हुआ है बेटा आर प्राइम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, वो जाएगा रो डी वी प्राइम, तो वॉल्यूम मान लेता हूँ मैं डी वी प्राइम है, बिकॉज जो जहाँ चार्ज रखा होता है ना वहाँ हम लोकलाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं, तो फॉर द लोकलाइजेशन हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी ओ फाई आर मतलब कि आर डिस्टेंस पे आपको निकालना है, इसलिए मैं ब्रैकेट में आर लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना उसकी लोकेशन को डिनोट करता है, ए तो डी वी प्राइम अपॉन आर माइनस, ठीक है। और अगर देखा जाए मुझे पूरा निकालना है पोटेंशियल कंप्लीट, तो पता हो जाएगा डी फाई
इज इक्वल टू ए रो बी डी बी प्राइम अपॉन आर माइनस आर प्राइम, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। ठीक है, नाउ चेकिंग द लाप्लासियन, क्योंकि हमको ये चाहिए ना, पॉइजन इक्वेशन हो। पॉइजन इक्वेशन में तो क्या होता है, पॉइजन हो चाहे लाप्लास हो, दोनों में ही डेल टू का ऑपरेशन होता है, और लाप्लास इक्वेशन होने की वजह से ही इसको लाप्लासियन ऑपरेटर नाम, जो डबल बार ऑपरेट करते हैं ना उसको लाप्लासियन क्या बोलते हैं। नाउ टेकिंग लाप्लासियन डेल टू पाई डेट आर डिस्टेंस इज इक्वल टू ए प्रो लाप्लासियन को ब्रैकेट में डेल टू लिख लो, ताकि तुमको डेल टू ऑफ, ये तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना, पी के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। आपको फिर समझा दूं, डेल जो होता है वो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम में ये होता है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल तो खैर अलग बात है, बट कार्टेशियन में ये होता है। बट डेल टू निकालोगे ना आप इसका, तो इसका इसी से डॉट निकालना पड़ेगा, तो आई डॉट करना पड़ेगा, आई का आई से डॉट लग जाएगा, जे का जे से डॉट लग जाएगा, और के का के से डॉट लग जाएगा। अरे कल का कोई डिस्क्रिप्शन हाँ, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ लो, क्योंकि ये एक पार्ट में सॉल्व होगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इस डेल को एक बार वेक्टर फॉर्म डॉट, डेल मतलब स्थिति के सापेक्ष अवकलन, तो स्थिति के सापेक्ष अवकलन में केवल स्थिति का ही काम होगा। स्थिति मतलब होता है पोजीशन मतलब डिस्टेंस, का काम करेंगे हम, बाकी टीवी को तो खैर आप बाहर भेज दो एक बार के। ना अब ये डीवी मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसको कोई फंक्शन मान लो, तो डेल डॉट एनी वेक्टर फंक्शन विद द वॉल्यूम इंटीग्रल, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब आप सोचोगे सर ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम जो थी ना बेटा, वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में और सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, आपके साथ पहले भी समझाया थ्योरम की बात। ये यूँ बोलती है थ्योरम कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस इंटीग्रेशन है, क्योंकि सरफेस अगर चारों तरफ से बंद पड़ जाएगी ना, कोई वॉल्यूम का नहीं, हमारा कमरा है, हमारा कमरा आप देखो चारों तरफ से बंद है, अलग अलग सरफेस के, ये सरफेस इसमें है, छह दीवारें हैं, एक दो तीन, एक नीचे का फ्लोर और की छत, ये सब सरफेस है। इन सरफेस को क्लोज कर दोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा, तो इसलिए जब हम सरफेस को क्लोज कर देते हैं तो वॉल्यूम बन जाता है और एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ जाता है। बट इसकी एक शर्त है कि जो भी वेक्टर सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर रहा है उसका आप डाइवर्जेंस ले, तो बस इसको यूज करेंगे। तो डेल डॉट ए कोई वेक्टर है, डेल टू फाई आर इक्वल टू ए रो, ये हमारे पास ए वेक्टर जो है वो हो जाएगा डेल वन अपॉन आर माइनस मोड, और ये हो जाएगा डॉट, अगर मान लो सरफेस की डर कैप है, आप इस तरह से लिख सकते हो। अब मैं डबल डबल डिस्टेंस क्यों मानूंगा, काम करता हूँ, एक चीज अज्यूम करता हूँ कि मैं ओरिजिन को शिफ्ट करता हूँ। ओरिजिन को शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ कि मैं पहले यहाँ खड़ा होके
चीजों को मेजर कर रहा था खड़ा होके सपोज, बट मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपना ये जो ओरिजिन है ना इसको शिफ्ट करके यहाँ ला रहा हूँ बीच में। अब चार्ज जहाँ है वहीं ओरिजिन है, तो चार्ज से और ऑब्जर्वेशन पॉइंट डिस्टेंस मेजर करनी होती है। इसका मतलब मुझे इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, इस डिस्टेंस वो तो हमारे पास है, क्या है वो स्मॉल आर हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन से पी का डिस्टेंस आर था, अब आपका ओरिजिन यहाँ आ चुका है, ये डिस्टेंस आर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए काम है, कर सकते हैं ताकि समझ में आ जाए। सो पुट आर प्राइम टेंस टू आर ब्रैकेट में इक्वेशन शिफ्टिंग टू ओरिजिन, शिफ्टिंग टू ओरिजिन बस। और अगर आर बचेगा तो जो डेल है ना, इस डेल का वैल्यू होता है डेल अपॉन डेल आर, वो भी तब जब केवल आर कोऑर्डिनेट है। थीटा आ गया तो फिर थीटा के लिए अलग लिखेंगे, फाई के लिए अलग लिखेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे केवल आर डिपेंडेंसी है इसलिए डेल्टा को हम आर की फॉर्म में ही लिखेंगे। थीटा और फाई की फॉर्म में लिखोगे तो वो जीरो आएगा ना, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ तो आर है, और पाई का पाई के रेस्पेक्ट में होगा, बट यहाँ तो आर है, इसलिए केवल हम आर पे करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा डेल अपॉन, और हाँ ये क्लोज करना ऊपर थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर, ये होगा वन अपॉन आर, और डेल अपॉन डेल आर जो है ना वो आर केप में होता है। ठीक है, तो डॉट एन केप ठीक है। तो अब जरा सा इसको करना कैलकुलेट, दो तरीके हैं। अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं तो इसको बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं डीएस से आर केप डॉट एन केप तो खैर बन जाएगा, बिकॉज एन केप सरफेस की डायरेक्शन में होगा तो आर केप में होगा, तो डेल टू अगर मैं डी एस प्राइम इज इक्वल टू मान लेता हूँ साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ये समझा था ना आपको, आर की डायरेक्शन में ये तो होता है। ठीक है, डेल अपॉन डेल आर मतलब कितना हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन करना, मैं इसको बाहर से निकाल रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये जो है ना ये आर डिपेंडेंट है और ये आर प्राइम डिपेंडेंट, आर प्राइम और आर दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स बेटा, ये तो खैर ये तो बन हो जाएगा ये आर डायरेक्शन में, बट ये अगर मैं वन अपॉन आर को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर होगा, और ये मेरे पास जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, ये सब प्राइम नोटेशन में रहेंगे, सो थीटा प्राइम, और हाँ साथ में आर प्राइम स्क्वायर भी रहेगा, आर प्राइम स्क्वायर और डी थीटा प्राइम और डी फाइव। आपको बताइए इसका पूरे का वैल्यू कितना होता है, फोर पाई होता है, मैं ऑलरेडी निकाल रखा है, ये हम निकाल सकते हैं। हमने बाहर क्यों निकाला इसको, इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये आर डिपेंडेंट था ओनली, और ये प्राइम नॉट प्राइम नोटेशन, प्राइम नोटेशन मतलब डैश, तो वो आर से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कांस्टेंट आ जाएगा, ये बाहर आ गया। मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा, के प्रो अपॉन आर स्क्वायर और फोर पाई आर प्राइम स्क्वायर। अब रो ए का वैल्यू पुट करना, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर पाई विद द आर प्राइम स्क्वायर अपॉन फोर पाई से फोर पाई गया। ठीक है, ये डिराक डेल्टा की फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं, समझता हूँ इसे, इसको ना आर प्राइम और इसको ना एक साथ लिख सकते हो, माइनस रो अपॉन है। ठीक है,
इसको डिराक डेल्टा का फॉर्म दे सकते हैं, आर माइनस आर, ठीक है। क्योंकि आर इज इक्वल टू आर प्राइम रखोगे तो ये वन हो जाएगा, नहीं रखोगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो इसलिए होगा बिकॉज हम यहाँ पे इसको अनप्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई जीरो होगा। इसको आप डेल्टा की फॉर्म में ले सकते हो, डेल्टा होगा इसे बोलते हैं डिराक डेल्टा प्लस हो गया वाव इक्वेशन। इज कॉल्ड इक्वेशन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेटिस्फाइज द पॉइजन इक्वेशन। अब इसमें आप चाहो तो से लिख सकते हो, इफ आर इज इक्वल टू आर प्राइम तो डीआर डेल्टा का वैल्यू वन, ये पॉइजन बन जाएगी। इफ आर इज नॉट इक्वल टू आर प्राइम डीआर डेल्टा तो ये बन जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा फाइव इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, इस केस में ये हो जाएगी आपका। ये हम लोगों ने एमएससी के तरीके से पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन, अगर एग्जाम में कोई पांच एक नंबर का सवाल भी आए ना, पांच नंबर के हिसाब से आता है सवाल ना, आप इतना प्रूफ कर देना आपके पांच नंबर आराम से, ठीक है। तो ये एक प्रश्न था एग्जाम में बन सकता था, तो ये हमने निकाल दिया। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग क्लासिकल का वेट करें, अपने दोस्तों को भेजें इस वीडियो को, ताकि उनको फालतू पैसे वेस्ट ना करने पड़े एससी की पढ़ाई के लिए। हालांकि मैं खुद भी पैसे लिया करता था किसी ज़माने में, 10,000 रुपये एमएससी कोचिंग कराने के। आजकल मैं केवल नेट की कोचिंग कराता हूँ बच्चों को, एमएससी फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी फ्री में पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, फालतू पैसे ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक रहेगा यूनिकनेस थ्योरम, तो आपका अगला सिलेबस का टॉपिक है यूनिकनेस थ्योरम। सबसे ज़्यादा इस यूनिट में एक वो ही एक ऐसा टॉपिक है जो 90% संभावना एग्जाम में पढ़ेंगे। थैंक यू।